दोस्तों, नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो हम आप लोग को बताने वाले हैं कि दिसंबर के महीने में बैंकों में कितने दिन छुट्टियां पड़ने वाली हैं। अगर सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे को और संडे को मिला दिया जाए तो कुल मिला जुलाकर 15 दिन की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किस स्टेट में किस त्यौहार के उपलक्ष्य में किस दिन छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिसंबर महीने की जो सबसे पहली छुट्टी पड़नी थी वो 1 दिसंबर को ही पड़नी थी। तो 1 दिसंबर को हैदराबाद में, आप सभी लोगों को पता होगा कि हैदराबाद में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो उसके कारण सिर्फ 1 दिसंबर को हैदराबाद में बैंक बंद थे और बाकी पूरे देश में बैंक ओपन थे। इसके बाद जो छुट्टी पड़ेगी वो 3 दिसंबर को पड़ेगी। तो 3 दिसंबर को कनकदास जयंती है और सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है पणजी और बेंगलुरु में। तो सिर्फ वहाँ पणजी और बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे, बाकी पूरे देश में बैंक ओपन रहेंगे 3 दिसंबर को। इसके बाद छुट्टियाँ पड़ेंगी, 6 दिसंबर को संडे है तो संडे के कारण बैंक बंद रहेंगे। 12 दिसंबर को सेकेंड सैटरडे, तो आप सभी लोगों को पता है कि सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को बैंक बंद रहते हैं। 13 दिसंबर को संडे है जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद जो छुट्टी पड़ेगी वो है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को लासोंग पर्व और इसके साथ ही नामसूंग पर्व मनाया जाता है जो कि गोवा और गैंगटॉक में मनाया जाता है। तो सिर्फ गोवा और गैंगटॉक में 17 दिसंबर को छुट्टियां रहेंगी, बाकी पूरे देश में बैंक ओपन रहेंगे। इसके बाद जो छुट्टी पड़ेगी वो 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को भी लोकल फेस्टिवल मनाया जाएगा गैंगटॉक और शिलोंग में। फेस्टिवल का नाम है यू सोसो थान की डेथ एनिवर्सरी। तो इस कारण सिर्फ 18 दिसंबर को गैंगटॉक और शिलोंग में बैंक बंद रहेंगे, बाकी पूरे देश में बैंक ओपन रहेंगे। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे है तो जिसके कारण सिर्फ गोवा में ही 19 तारीख को बैंक बंद रहेंगे। बाकी 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर को संडे है जिस कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 24 और 25 को क्रिसमस डे मनाया जाएगा, तो 24 तारीख को आइजोल और शिलोंग में सिर्फ छुट्टियां रहेंगी क्रिसमस के कारण, और 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टियां पूरे देश में रहेंगी जिसके कारण पूरे देश में बैंक 25 तारीख को बंद रहेगा। 24 तारीख को सिर्फ आइजोल और शिलोंग में ही बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 दिसंबर को फोर्थ सैटरडे है तो इस कारण बैंक बंद रहेंगे। 27 दिसंबर को संडे है, इसके बाद छुट्टी पड़ेगी वो 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर को भी सिर्फ शिलोंग में बैंक बंद रहेंगे। यू किंग नामबाग कोई त्यौहार मनाया जाता है शिलोंग में, तो इस कारण सिर्फ शिलोंग में 30 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद फेस्टिवल पड़ेगा 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को भी सिर्फ आइजोल में ही बैंक बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ का कोई लोकल फेस्टिवल ईयर्स ईयू मनाया जाता है। तो सिर्फ शिलोंग सॉरी आइजोल में बैंक बंद रहेंगे 31 दिसंबर को और पूरे देश में ओपन रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरा स्टेट वाइज और किस डेट को किस स्टेट में बैंक बंद रहेंगे सबको आपको छुट्टियों की लिस्ट बता दी। उस हिसाब से आप लोग बैंकों में जो भी अपना दिसंबर के महीने में काम हो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।